वीडियो में बताऊंगा कि 2021 में आप पेटीएम पोस्टपेड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर एक साल पहले भी मैंने इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है जिसका थंबनेल आप वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों उस टाइम पेटीएम ने सब टेक्निकल ग्लिच होने के कारण इस फंक्शन को हटा लिया था पेटीएम ऐप से, पर अब फिर से पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आ चुका है पेटीएम ऐप में। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने टेक रॉयल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक कर ले, और साथ में बेल बटन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक कर ले ऑल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक रॉयल, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पेटीएम के होम पेज पे हूँ और आपको पेटीएम पोस्टपेड के अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन देखना होगा जो कि आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ मिल जाएगा। अगर बाय चांस आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पेटीएम पोस्टपेड। पेटीएम पोस्टपेड टाइप करने के बाद आपको नीचे रिलेटेड सर्विस में पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से एक वेलकम पेज ओपन होगा जहाँ पे इसके फीचर्स आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 1 लाख रुपीज, 5 लाख प्लस सॉफ्ट एप्स एंड वेबसाइट पे एक्सेप्ट होता है, फ्रीडम फ्रॉम एंटरिंग ओटीपी पिन और कार्ड, पे बिल इन 1 और गो टू कन्वर्ट ईएमआई, मतलब आप एक बार में पे भी कर सकते हैं और चाहे तो इसका ईएमआई भी कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक क्रेडिट स्कोर पे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करना है, खासकर आपका पैन कार्ड नंबर, तो एक बार मैं पैन कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ। पैन कार्ड के साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कन्फर्म मोबाइल नंबर का एक पॉपअप आएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर सही है तो आपको प्रोसीड करना है, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो चेक हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गेटिंग योर सिविल स्कोर। यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा सिविल की तरफ से जो कि आपको सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे मैंने एंटर करके सबमिट ओटीपी एंड व्यू स्कोर पे क्लिक करना है। पेटीएम पोस्टपेड एप्लीकेशन, यहाँ पे रिसीव ऑफर डिटेल्स, कुड नॉट रिट्रीव योर इन्फॉर्मेशन, अगर इस तरीके का एरर आता तो आप चाहे तो इसको रिट्राई कर सकते हैं। कंप्लीट योर एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको आई हेयरबाय ऑथराइज पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू शेयर माई CKYC ID फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग पेटीएम पोस्टपेड फैकल्टी विद क्लिक्स फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे वेरीफाइंग योर KYC डिटेल, और यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेना है, तो चलिए मैं सेल्फी ले लेता हूँ अपना। और सेल्फी दोस्तों आपको कुछ तरीके से लेना है, नो आई ग्लास, नो पर्सनल ऑब्जेक्ट इन द बैकग्राउंड और अवॉइड ब्लर फोटो, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मैं सेल्फी ले लेता हूँ, दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना सेल्फी अपलोड कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप सेल्फी के टाइम पे आपका फोन हैंग हो जाता है तो आपको पेटीएम ऐप को क्लोज करना है और दोबारा से पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका KYC डिटेल्स वेरीफाइड हो चुका है, रिव्यूइंग योर क्रेडिट हिस्ट्री टू फाइनलाइज योर स्पेंड लिमिट, और यहाँ पे एक OTP आ चुका है सिबिल से दोबारा, तो एक बार मैं इसको भी एंटर कर देता हूँ 669, और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अगेन ये प्रोसेस में गया है, यहाँ पे आपके कुछ बेसिक डिटेल होगा जो कि आपको कंफर्म करना होगा, अगर आपके हिसाब से सही है तो आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी लिमिट होगा पेटीएम पोस्टपेड का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित, एक्टिवेट योर स्पेंड लिमिट ऑफ 4,250, नो फीस ऑफ एक्टिवेशन, अ कन्वीनियंस फीस ऑफ 2% प्लस GST इज अप्लाई ओनली ऑन द अमाउंट यू स्पेंड इन अ मंथ, यू कैन स्पेंड अप टू अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹12,750 इन अ मंथ, यूज रिपे एंड रीयूज, पोस्टपेड फैकल्टी ऑफर यू फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन टू पे इन फुल और बाय EMI। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ ठीक, बट यहाँ पे जो मैं एक चीज देख रहा हूँ कन्वीनियंस फीस ऑफ 2% प्लस GST, ये क्या बकवास है यार। मतलब पेटीएम पोस्टपेड अगर आप कोई क्रेडिट लिमिट दे रहा है, क्रेडिट लाइन दे रहा है यूज करने के लिए, तो उसके ऊपर 2% प्लस 18% GST यानी अप्रोक्स 3% के आसपास पेमेंट करना होगा, यानी ₹100 अगर आप यूज करेंगे तो उसके ऊपर ₹105 आपको पेमेंट करना होगा। यार क्या बकवास है, बिल्कुल भी दोस्तों यूज मत करना। एक बार मैं इसको यूज करूंगा और सेटिस्फाइड होके ही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यूज करने के लिए। अगर चाहते हैं तो आप इसको एग्री और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। क्रेडिट
योर अकाउंट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे योर पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट इज नॉट रेडी टू यूज, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर मैसेज में भी मेंशन किया गया है, कांग्रेट्स योर पेटीएम पोस्टपेड लाइट अकाउंट विद लिमिट ऑफ ₹4,250 नाउ एक्टिव, स्टार्ट शॉपिंग एंड पे बैक इन अ सिंगल बिल बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ इंक्लूसिव ऑफ 2% कन्वीनियंस फीस प्लस टैक्सेस। दोस्तों अगर सच में 2% प्लस कन्वीनियंस फीस और GST आपको पे करना होगा पेटीएम पोस्टपेड को यूज करने के लिए, पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेटीएम पोस्टपेड को गलती से यूज भी मत करना, अदरवाइज आपको कन्वीनियंस फीस प्लस GST पेमेंट करना होगा, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना जो कि मैंने बता दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।